मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। चित्र को आधे भाग में बांटना। इस वीडियो में हम सीखेंगे आईने की मदद से आधे चित्र को पूरा करना। दी हुई रेखा पर आईना रखकर आधे हिस्से की जांच करना। चित्र को रेखा खींचकर दो एक जैसे बराबर हिस्सों में बांटना। आधा हिस्सा देखकर अक्षरों को पूरा करना। अरे क्या हुआ पटर, इतनी उदास क्यों हो? देखो ना दीदी, मैंने आपके लिए एक टेडी बियर का चित्र बनाया था, लेकिन चटर ने उसे बीच से फाड़ दिया। दीदी, वो गलती से फट गया। मुझे दिखाओ वो चित्र। दीदी, मेरे पास बस उसका आधा हिस्सा ही है। कोई बात नहीं पटर, हम इस आधे हिस्से से ही चित्र को पूरा कर देंगे। हाँ, लेकिन कैसे दीदी? जादू से। आओ बताती हूँ। देखो बच्चों, ये है आईना। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। अब देखो मेरा जादू। ये मैंने रखा इस आईने को चित्र के कटे हुए हिस्से पर। पटर, अब देखो जरा। अरे वाह दीदी, ये चित्र तो पूरा दिख रहा है। क्या तुमने ऐसा टेडी बियर बनाया था? हाँ दीदी, ऐसा टेडी बियर ही तो बनाया था मैंने। थैंक यू दीदी। चलो अब मैं तुम्हें कुछ चीजों के आधे चित्र दूंगी। तुम्हें उस चीज को पहचानना है और फिर उस चित्र को पूरा करना है, ठीक है? दीदी, क्या हम आईने की मदद ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आईने की मदद ले लो। तो पटर, पहचानो इस चित्र को। ये रखा इस पर मैंने आईना। दीदी ये तो तितली है। शाबाश पटर, तो जल्दी से पूरा करो चित्र। हो गया दीदी। चलो चटर, अब तुम इस आधे चित्र को पहचानो। यहाँ पर आईना रख देता हूँ। दीदी ये तो हवाई जहाज है। एकदम सही। चलो अब चित्र को तो पूरा कर दो। ये बन गया हवाई जहाज का पूरा चित्र। बच्चों अब मैं कुछ और चित्र दिखाऊंगी तुम्हें। उन चित्रों पर बनी रेखा पर आईना रख कर देखना है कि क्या आधा हिस्सा वैसा ही दिखेगा जैसा चित्र में दिख रहा है। चटर, तुम इस चित्र की जांच करो। अच्छा, तो मैं इस रेखा पर आईना रखता हूँ। अरे वाह दीदी, आईने में दिखने वाला आधा हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसा चित्र में दिख रहा है। शाबाश चटर, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रेखा इस चित्र को एक जैसे दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, या हम कह सकते हैं कि ये चित्र दो समान हिस्सों से बना है। पटर, अब तुम इस चित्र की जांच करके बताओ। दीदी ये तो आम का चित्र है। ये रखा आईना इस रेखा पर। क्या दिखा पटर? दीदी आईने में दिखने वाला आधा हिस्सा चित्र में दिखने वाले आधे हिस्से जैसा नहीं है, अलग है। बिल्कुल सही पटर। चलो पटर, अब इस चित्र की जांच करो। ठीक है दीदी, इस रेखा पर आईना रखती हूँ। दीदी यहाँ पर भी आईने में दिखने वाला आधा हिस्सा चित्र में दिखने वाले हिस्से जैसा नहीं है, अलग है। हाँ पटर, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों चित्रों में ही रेखा चित्र को एक जैसे दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट रही है, यानी दोनों हिस्से बराबर और एक जैसे नहीं है। समझ गए ना बच्चों? इस सेब के चित्र को देखो,
हमें इस चित्र को रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में बांटना है। तो बीच में कौन सी रेखा खींचेंगे? एक खड़ी रेखा, ऐसे, ठीक है? देखो, सेब एक जैसे दो बराबर भागों में बांटा गया है ना? हाँ दीदी। चटर, अब इस चित्र को देखकर बताओ कि इसे दो बराबर भागों में बांटना हो तो कौन सी रेखा खींचेंगे? दीदी, बीच में एक खड़ी रेखा खींचेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब चांद के चित्र को देखकर बताओ। अरे, बीच में एक लेटी रेखा खींचेंगे ना? देखो, अब ये चित्र एक जैसे दो बराबर भागों में बंट गया है। ऐसे ही इस मछली के चित्र में भी बीच में एक लेटी रेखा खींचेंगे, समझ गए? चलो पटर, अब तुम बताओ इस चित्र में कौन सी रेखा खींचेंगे? दीदी, बीच में टेढ़ी रेखा खींचेंगे। बहुत अच्छे पटर, ये लो, खींच दी यहाँ एक टेढ़ी रेखा। देखो, ये रेखा इस आकृति को एक जैसे दो बराबर भागों में बांट रही है ना? अब बच्चों, एक मजेदार गतिविधि करते हैं। मैं तुम्हें इंग्लिश के अक्षर लिखे हुए कुछ कार्ड्स दिखाती हूँ, ठीक? तो बताओ इस कार्ड पर कौन सा अक्षर लिखा है? दीदी, ये कार्ड तो बीच में से मुड़ा हुआ है। चटर, तुम्हें अंदाजा लगाना है। जिस तरह हमने आईने की मदद से आधी वस्तुओं को पूरा किया था, ठीक उसी तरह। सोचो, अगर ऐसा ही हिस्सा कार्ड के बाईं ओर भी हो तो? तो ये होगा अक्षर ए। एकदम सही, ये देखो अक्षर ए ही तो है। अच्छा पटर, अब तुम इस कार्ड को देखकर बताओ। दीदी, अगर ऐसा ही हिस्सा कार्ड के ऊपर भी होगा तो ये होगा अक्षर बी। शाबाश पटर, तुमने तो बहुत जल्दी से पहचान लिया। चलो अब इस कार्ड को देखकर बताओ। दीदी, ये होगा अक्षर सी। बिल्कुल सही। बच्चों, अक्षरों को तो तुमने पहचान लिया, अब इस कार्ड पर लिखे शब्दों को पहचानो। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा दीदी। देखो बच्चों, इस पहले अक्षर का ऐसा ही हिस्सा नीचे की तरफ भी हो तो ये होगा अक्षर बी, है ना? अब दूसरे अक्षर का ऐसा ही हिस्सा नीचे की तरफ भी हो तो ये होगा अक्षर ओ, और तीसरे अक्षर का ऐसा ही हिस्सा नीचे की तरफ भी हो तो ये होगा अक्षर एक्स। यानी शब्द हुआ बी ओ एक्स, बॉक्स। अब तो समझ गए ना बच्चों? तुमने चित्र को आधे भाग में बांटना समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।